वाक्य। बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ वर्ण लिए हैं, रा, य, मे, ह, र, घ, है, और फिर इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया है। यह है घर मेरा, और फिर मैंने इन शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य की रचना की है। यह मेरा घर है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। हम जानते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। जा रहे हैं स्कूल बच्चे। यह वाक्य सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो सही क्रम में नहीं है और इसे वाक्य सही रूप से वाक्य की रचना नहीं हो रही है। सारे शब्दों की अपनी अपनी जगह है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यह एक सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह तो सही रूप से वाक्य इसी प्रकार जाता है।